guys, welcome back to the next video of Accounts Adda. आज हमारी वीडियो नंबर 22 और वीडियो नंबर 22 में हम छुपी हुई गुडविल को निकालने वाले हैं, यानी कि जो वीडियो नंबर 22 का टॉपिक है वो है हिडन गुडविल। इससे पुरानी वाली वीडियो में नंबर 21 में हमने क्या देखा था, हमने गुडविल की बाकी सारे केसेस पढ़ लिए, बाकी सब कुछ खत्म कर लिया। अब हम आगे हैं छुपी हुई गुडविल पे। आखिरी तरीके गुडविल है जो कि छुपन छुपाई खेलते हैं दोस्तों। आज आइस करेंगे और देखेंगे, बहुत याद हो गया, छोड़ो। हाँ, आज हम देखेंगे हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है। देखो भाई, सिंपल सा है, मतलब समझेंगे, आंसर अपने आप आए। देखो, समटाइम्स वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन, कभी कभी गुडविल की वैल्यू नहीं गिवन होती। पूरा एक सेंटेंस, एक साथ में पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ना पढ़ा। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन बट इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, इन सच अ केस गुडविल इज टू बी वैल्यूड यूजिंग कैपिटलाइजेशन। आया समझ में? देखो, अब इस पूरी दो लाइनों में सिर्फ एक वर्ड समझ में नहीं आया। आखिरी वर्ड, कभी कभी गुडविल की वैल्यू विभिन्न नहीं होती, उस कंडीशन में हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। गुडविल की वैल्यू हम निकालते हैं कैपिटलाइजेशन। अब ये कैपिटलाइजेशन क्या है? तो गाइस, यही है हमारा मेथड जो कि हमें पढ़ना है, और देखते हैं मतलब कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। एक एग्जांपल लेके हम साथ साथ करेंगे, यानी कि एग्जांपल भी लूंगा और एक क्वेश्चन तो चलेगा। देखो, पहले एक बार समझ लेते हैं हम क्या करने वाले हैं, वो समझना। पहले मैं एक ब्लू प्रिंट बनाता हूं क्या करने वाले हम। ये करने वाले हैं हम, सबसे पहले ये देखते हैं कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया। फिर हम ये देखेंगे कि जितनी भी वो कैपिटल लेके आया है उस कैपिटल के हिसाब से कितनी कैपिटल है। फिर उस कैपिटल का यूज करके हम पुरानी वालों की कैपिटल को उठाएंगे और उन दोनों की कैपिटल में से माइनस करके जो कैपिटल आएगी उस कैपिटल का यूज करके हम गुडविल निकालेंगे। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, ऐसा ही होता है हमारे साथ जब हम क्लास में बैठते हो तो ऐसा ही होता है। ये अच्छा, हम क्या पता लगाते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि भाई इसमें कितनी बार कैपिटल वर्ड आया है। ठीक है, तो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ समझाता हूँ, जिसमें हिडन गुडविल छुपी हुई गुडविल निकालनी है। देखो, ए और बी दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 160,000, बी की है 100,000 रुपए, सी आया है 160,000 की कैपिटल लेके और कंपनी के पास 20,000 का प्रॉफिट है। तो अब इन सब चीजों में से गुडविल निकालो। अब पता है यहां पे हमारा दिमाग घूम जाता है कि पूरे क्वेश्चन में कैपिटल 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 दे रखा है और पूछा गुडविल अब क्या है। तो हमारा जो यह मेथड है, जैसे मैंने 3 स्टेप लिखी है, वैसे तो मैं स्टेप्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, गाइस रटोगे तो कभी समझ में नहीं आया, पर ठीक है, रट लो, रटो मत, मतलब देख लो, समझ जाओगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनरशिप। सबसे पहला काम क्या है, नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से कंपनी की टोटल कैपिटल निकालो। कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल। देखो यहां से लिख रहा हूं, जगह की कमी है तो छोटा छोटा लिख रहा हूं। नए पार्टनर का कैपिटल कितनी है, पहले नया पार्टनर आया है 160,000, वो ये 160,000 रुपए कितने शेयर के लिए लेके आया है, 1/4 के लिए, यानी कि 160,000 रुपए 1/4 के बराबर है। तो टोटल कितने होते हैं, 4/4। ये ध्यान रखना, अगर मैं बोल रहा हूं कि 25 रुपए 10% हिस्सा है तो टोटल हिस्सा क्या हो गया, 10% का उल्टा, यानी कि 25 × 100/100। वैसे ही अगर मुझे टोटल कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल 160,000 रुपए लेके आया है 1/4 के लिए, तो टोटल कितनी हो गई, रिवर्स ऑफ इस शेयर, यानी कि 4/1 रिवर्स ऑफ इस शेयर। तो कितना हो गया है, समझो 0 0 0 3 0, 1 0 6 4 24 और ये 6, यानी कि इसके हिसाब से, सी के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 6,40,000 रुपए। पहला स्टेप खत्म, ये 3 स्टेप ये देख रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल, असली कैपिटल। असली कैपिटल कैसे निकालेंगे, या तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या फिर
अगर एसेट्स और लायबिलिटी नहीं गिवन, तो जितने भी पार्टनर है सबकी कैपिटल जोड़ दो वही टोटल कैपिटल होगी। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकाली, देखो एडिशनल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनरों की कैपिटल जोड़ दो, सारे मतलब कि सारे, तो पहला 160,000, दूसरा 100,000, तीसरा ये आया था 160,000 प्लस रिजर्व या प्रॉफिट अगर है, अगर है नहीं है तो छोड़ो, अगर है तो जोड़ दो, लॉस है तो माइनस करो। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन था 20,000 का, तो हमने यहां प्रॉफिट जोड़ दिया 20,000, ये आ गई सबकी कैपिटल, यही होनी चाहिए टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, देखो 160,000 प्लस 100,000, 260,000, 360,000, 420,000 और 440,000, ठीक है कितनी हो गई 440,000। एक बार कैलकुलेट करो, देखो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 कैसे कैलकुलेट करते हो समझना, कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सब लाख में तीनों, तो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 3,00,000 साइड में बैठ के 60,000, 60,000 कितने हो गए 1,20,000, तीन और एक 4,00,000 हो 20,000 ये और 20,000 ये, 4,40,000 नहीं यार समझ छोड़ो ऐसे कर लेते, ठीक है सेकंड स्टेप खत्म हो गई, टोटल कैपिटल आ गई 4,40,000। अब गड़ो सी के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी आएगी भाई 6,40,000, अभी हमने यह सबको जोड़ लिया सी को भी जोड़ लिया तो भी कैपिटल कितनी आई 4,40,000, यानी 2,00,000 का घोटाला। तो ये घोटाला क्या है बॉस, ये घोटाला है हमारी गुडविल, तो जो घोटाला है वो कितने का है 6,40,000 माइनस 4,40,000, दैट इज 1 - 2 इक्वल टू फर्म गुडविल कितनी हो गई 2,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपये क्या आ गई गुडविल आ गई, किसकी गुडविल आ गई फर्म की गुडविल आ गई। बनवाया फर्म की गुडविल कैसे निकाली थी, 7, 3, 7 वापिस देखो एक एक करके वापिस से, पहला कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल निकालो, कैसे नया पार्टनर जितनी कैपिटल लाया वो मल्टीप्लायर रिवर्स ऑफ शेयर, उसके शेयर का उल्टा, यानी वो एक बार चार ले शेयर के लिए 1,60,000 लेके आया है, टोटल कितनी हो गई 1,60,000 इंटू 4/2 टोटल कैपिटल आ गई। सेकंड स्टेप कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल में कितना है सबकी कैपिटल जोड़ो ए बी सी, अगर कोई प्रॉफिट तो वो भी जोड़ लो, लॉस है तो माइनस कर दो, रिजर्व है या प्रॉफिट में जुड़ता है, ठीक है इसके हिसाब से कितने आ गए 440, सी भाई 6,40 के हिसाब से लेके आया, ये भाई 440 के हिसाब से लेके आया, क्या गड़बड़ है, तो 2,00,000 रुपए क्या हो गई गुडविल, ये गुडविल कौन सी है फॉर्म की, तो फॉर्म की गुडविल इस क्वेश्चन के हिसाब से कितनी आई 2,00,000 रुपए, तो सी की जिम्मेदारी कितनी है, सी कितना लेके आया 2,00,000 रुपए का 1/4, यानी कि प्रीमियम कितने का हो गया भाई लोगो 2,00,000 का 1/4, 5 हिस्सों में तोड़ो तो कितना आता है, कितना हो गया 50,000, कितना हो गया 50,000 रुपए, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रीमियम, सब एक के बाद एक घोटाला ऐसे चलता है, ठीक है तो यहाँ कैपिटल की वैल्यू हमने निकाली गुडविल, और इसी को कहते हैं छुपन छुपाई, यानी स्पाइसी यानी कि हिडन गुडविल, ठीक है तो ये थी हमारी हिडन गुडविल का जो टॉपिक था, तीन स्टेप से पहला दूसरा तीसरा, इन तीन स्टेप का यूज करके हम इजिली फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं, ये वैल्यूड गुडविल है यानी इसी में से वो प्रीमियम लेके आएगा। सो गाइस दिस इज इट फॉर वीडियो नंबर 22, वीडियो नंबर 22 आज हमारी खत्म हो गई है, कीप ऑन वॉचिंग, अकाउंट सेंटर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स।